चिराग रेडी रख, वरना बहुत बुरा होगा। दो दिन का टाइम दे रहा हूँ। भाई मैं बता चुका हूँ कि होटल में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाके होटल के ओनर से मांगो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? उसने अपने हिस्से की भरपाई कर दी है, बाकी तुझे देना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। देख भाई, प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ, समझ जा। अगर मेरा बॉस अपने में आ गया ना, तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा है। हाँ बता क्या कर लेगा। नहीं क्या कर लेगा बता ना, सीधे सीधे बोलना, तेरा बॉस क्या करेगा? बात करा मेरी भी, मैं भी बताता हूँ उसे। धमकी किसको दे रहा है? जब ए तुम जो भी हो, मेरे बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बात कर रहा हूँ, चुप कर, मैं बात कर रही हूँ। अरे मम्मी सुनो, तुम मेरे बेटे को ऐसे धमकी नहीं दे सकते हो। हिम्मत समझना कि वो अकेला है, उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, और वो तुम जैसे से नहीं डरती, ना तुम्हारे बॉस से। माता जी, अपने बेटे की सच में चिंता करते हो ना, तो उसे समझाओ। पैसे तो चाहिए, पहले दो दिन का टाइम दे रहा था, लेकिन अब आज ही चाहिए। उसे बोल देना आज रात 8 बजे समोसे वाली गली के कॉर्नर पर पैसे लेकर आए, वरना तुम भी अपने लाडले बेटे को है ना बचा नहीं पाओगी। अरे तो काटेगा ही ना मम्मी, मैं बात कर रहा था तो आपने क्यों छीना मुझसे फोन? तो मेरे बेटे से कोई ऐसे बात करेगा तो मैं खड़े खड़े सुनती रहूंगी। पर तू चिंता मत कर, हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? जाके उन गुंडों से लड़ेंगी? अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर लूंगी, ऐसे मेरे बेटे को कोई धमका नहीं सकता। तू चल मेरे साथ। मम्मी मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? सब नहीं चलाना तो मैं अकेले चली जाऊंगी, पर अपने बेटे को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अरे मम्मी यार, मम्मी बहुत जिद्दी हो आप। मम्मी मेरी बात तो सुनो। दो आदमी चाहिए, रात 8 बजे समोसा गली में। मंकी कैप क्यों पहना रही हो आशा? दो मिनट चुप नहीं रह सकते बड़े लोग, चुप। ओके माते, देखिए। अरे लुकिंग नाइस पापा। अरे क्या नाइस, मोहल्ले में गुंडा हुआ करता था छोटू लाल, वैसा सेम लग रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या करवाने वाले हो? लड़की छेड़नी है आपको? अरे जूते पड़वाएंगे, क्या 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 कर रही हो बच्ची? अरे अंकल क्या मेरे रहते हुए क्यों डरते हो? पहले प्लान तो सुन लो, श्रेया आंटी ना आपसे मिलने आएंगी, वो सेम गली है जिधर वैभव अंकल भी आने वाले हैं, बस आपको श्रेया आंटी पे अटैक कर देना है और वैभव अंकल आके हीरो के जैसे बचा लेंगे। सुपर हिट प्लान है ये। एक मिनट, प्लान में एक प्रॉब्लम है, श्रेया आंटी को वैभव मामा क्यों बचाएंगे जबकि उनके हीरो तो अभिराज अंकल है ना? हैं? बोलो बोलो। और उन्होंने तो शादी भी कर ली है। अरे कोई शादी वादी नहीं हुई है, पति पत्नी नहीं है वो दोनों, वो दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं। आपको कैसे पता? मेरा मतलब ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? अत्युत्तमा, अंततः श्री ने कर ही दिखाया वो श्रेया का सत्य कि वो विवाहित नहीं है, सबके समक्ष ले ही आई। अब तो माँ वैभव और श्रेया का मिलन हो ही जाएगा ना? माँ श्री ने दिखा ही दिया वह कितनी शक्तिशाली है, उसने जो इच्छा प्रकट की थी वो पूरी कर ली है। तुम्हें ज्ञात है वत्स, जब हनुमान एक छोटे से बालक थे तब अज्ञानतावश उन्हें सूर्यदेव एक फल के समान प्रतीत हुए थे, और उन्हें फल मानकर वो उन्हें निकलने भी निकल पड़े थे। हनुमान भी अत्यंत शक्तिशाली थे वत्स। हाँ माँ मुझे ज्ञात है, परंतु उस पश्चात हनुमान जी को वज्र का प्रहार हुआ था। परंतु माँ ये सब मुझे अभी श्री के विषय में क्यों बता रही है? ठीक है फिर, आपके पैसे आपको मिल गए, वैभव का केस यहीं क्लोज होता है। चलो लेके चलो इनको। श्रेया तुम्हारी शादी नहीं हुई है,
बताया क्यों नहीं? आपने कभी पूछा? यही तो प्रॉब्लम है मम्मी। सविता जी, जो देखती है वही मान लेती है, सच जाने की कोशिश कभी नहीं करती। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? हमारा ट्रीट तो बाकी है, हम तो समोसा खाने आए थे, क्यों आज? हाँ हाँ, मुझे भी ट्रीट तो लेके रहेंगे हम। किस चीज की ट्रीट? अरे राजू की शादी की ट्रीट। दामाद जी, श्रेया की शादी नहीं हुई है। अरे हाँ, श्रेया की शादी नहीं हुई, वो सिंगल है। श्रेया जी सिंगल है। ओह ऐसा, श्रेया आंटी और अभिराज अंकल, हमें तो पता ही नहीं था, है ना फॉक्स? हाँ, लेकिन समोसा तो फिर भी खिला सकती हूँ। अरे अब तो ये छोटे मोटे ट्रीट में नहीं होगा, बड़ा ट्रीट चाहिए। भले अब बाद में दो, चलेगा। ठीक है फिर, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है। अरे क्या ठीक है फुफ्स? ओ हाँ, आपके पास तो कार है, हमारे पास तो कुछ भी हाँ। नहीं है, और इतनी रात को यहाँ तो रिक्शा भी नहीं मिलेगी, कैसे जाएंगे? दामाद जी, मेरा स्कूटर है ना। क्या दादी, अब क्या 26 जनवरी की परेड जैसे चार चार लोग एक स्कूटी पे बैठ के जाएंगे क्या? और मैं तो इतनी छोटी हूँ, ना ना बाबा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं हूँ ना, मैं छोड़ देती हूँ। जीजा जी, आप भी आइए। हाँ आप लोग जाइए, मैं और मम्मी स्कूटी से आ जाएंगे। नहीं नहीं, स्कूटी पे मैं जाऊंगा सासू माँ के साथ। क्या मस्त मौसम है, एकदम हवा लगेगा चेहरे पे, फेस मसाज हो जाएगा। सासू माँ, चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ, चलिए 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 चलिए। बाय 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 बाय। अरे मैं ऑटो देख लेता हूँ। अरे क्या ऑटो अंकल, आंटी की कार और दिल बहुत बड़ा है, अकेली जगह हो जाएगी, है ना आंटी? हाँ, अब इसे तो छोड़ ही रही हो तो। चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.